और हनी को मैं बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। आज मैं सोच रही थी कि हनी हमारे घर पे नहीं आ रही, तो मैं उनके घर चली जाती हूँ, उनसे मिल लेती हूँ, उनसे बातें कर लेती हूँ और थोड़ी सी वीडियोस बना लेती हूँ उनके साथ। और दोस्तों आज सुबह मैं उठी 8 बजे, 8 बजे उठकर मैंने नाश्ता किया। नाश्ते में मैंने 2 बिस्किट और आधा कप चाय ली थी। बिल्कुल भी कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था। अम्मी ने बहुत ज़बरदस्ती की कि नहीं ज़्यादा खा लो, मगर मुझसे नहीं खाया गया। और फिर उसके बाद जो है वो मैं गई स्कूल। स्कूल जाने के बाद स्कूल में चाय आई, मगर मैंने चाय नहीं पी। और सबने स्कूल में लंच किया, मगर मैंने नहीं किया लंच कुछ भी, क्योंकि मैं स्कूल में आजकल अवॉइड करूँगी खाना पीना। मक्खियाँ इस कदर है कि दिल अजीब सा हो जाता है मक्खियों से, तो मैंने स्कूल में लंच नहीं किया। मैं घर आई, घर आके मैंने सबसे पहले मैंने नमाज अदा करने के बाद खाना खाया। खाना खाने के बाद मुझे आने लगी बहुत ज़्यादा नींद। जब मुझे आने लगी तो मैंने सोचा कि अगर मैं सो जाऊँगी तो फिर व्लॉग कौन बनाएगा। तो दोपहर में जो है वो रात का खाना ही बचा हुआ खाया था। रात की दाल थी और उसके साथ अम्मी ने चावल बनाए थे, तो मैंने चावल के साथ दाल खाई। अब जो है मैं थोड़ी देर सोऊंगी। सोकर उठने के बाद जो है वो मैं आपसे शेयर करूंगी शाम की चाय, रात का खाना, रात का आटा रोटी और रात के बर्तन वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगी। आप मेरे साथ रहिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो दोस्तों वेलकम टू माई चैनल, और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो जी दोस्तों आज की रूटीन मेरी कुछ ऐसी थी कि मैं स्कूल गई थी। स्कूल से आने के बाद मैंने खाना खाया, खाने के बाद मैं सो गई। सो करके उठने के बाद मैंने साफ़ सफाई का काम किया। साफ़ सफाई का काम करने के बाद जो है वो मैं किचन में आ गई हूँ। किचन फैला हुआ है हमारा सारा किचन फैला हुआ है। बर्तन भी अभी नहीं धुले हैं, शाम की चाय अभी पी गई है, उसके बर्तन भी फैले हुए आपको पीछे नज़र आ रहे होंगे जी। तो दोस्तों और आज बनाना है मैंने खाना। खाने में मैं बनाऊंगी अचार को। उसके लिए पहले मैं गोश्त साफ कर लूंगी। गोश्त साफ करने के बाद मैं धो लूंगी सारे बर्तन। जब किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। गोश्त दूंगी वो भी आपको दिखाऊंगी। खाना बनाऊंगी वो भी आपको दिखाऊंगी। आप सब लोग मेरे साथ रहें। और आज मैं शेयर करूंगी अपनी अम्मी की बातें जी। मैं आज आप लोगों से शेयर करूंगी अपनी अम्मी की सादगी वाली, मासूम वाली, बिना लॉजिक की अजीब और गरीब मासूमाना बातें जी। मेरी अम्मी को किचन से बहुत प्यार है, इश्क है, समझ में। उन्हें सब पता है कि कैबिनेट की आखिरी कैबिनेट के कोने वाली बर्नी में अजवाइन रखी हुई है, ये भी अम्मी को पता है। अम्मी को ये भी पता होता है कि किचन में क्या इंग्रेडिएंट्स ख़त्म होने वाले हैं, मतलब क्या सौदा सुरुफ ख़त्म होने वाला है, कब सौदा सुरुफ आएगा, कब रखा जाएगा, कब और उसमें ऐड होगा, ये सब अम्मी को बातें पता है। आप लोगों के घर में भी ऐसा होता होगा, आप लोगों की अम्मी भी ये सब करती होंगी। तो दोस्तों मैं अपनी अम्मी की मासूमाना बातें ये शेयर करूँगी कि मेरी अम्मी जो हैं वो किचन से इतनी मोहब्बत करती हैं कि हर अव्वल तरजीह उनकी जो होती है ना वो किचन है। किचन की साफ़ सफाई से लेकर किचन में क्या पकेगा, क्या खिलाना है, क्या करना है, वो सब अम्मी करती हैं। फिर मेरी अम्मी की एक और बात सुनेंगे आप लोगों को। मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मैं अक्सर अम्मी की ये वाली बातें अपनी फ्रेंड से भी शेयर करती हूँ और अब आप लोगों से भी शेयर करूँगी जी। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि मेरी अम्मी को किचन की हर चीज़ से इश्क है, और सबसे ज़्यादा जो इश्क है वो है ऑयल से, मतलब तेल से। तेल वो दाल का तड़का हो या सब्जी की भाजी हो या चिकन कोरमा हो या मटन कोरमा हो या नल्ली नहारी हो, उन्हें रोगन से बहुत ज़्यादा प्यार है और इश्क है। वो खुद तो तेल की नदियाँ बहा देंगी, मगर हम जो किचन में आएंगे, अल्लाह, हम जो किचन में आएंगे तो उनकी जो आवाज़ें हैं वो कान में यही आती रहेगी, तेल कितना डाला, अरे कल ही तो मंगाया था, ये देखो कितना तेल डाला है इस लड़की ने, और खुद चाहे वो नदियाँ बहा दें। हमारी अम्मी ऐसा करती हैं, ये काम करती हैं। और दूसरा क्या करती हैं,
अगर आप कपड़े धोएंगे खुद, अगर अगर अम्मी ने कपड़े धो लिए, अगर अम्मी ने वॉशिंग मशीन लगा ली और कपड़े धो लिए, उसके कॉलर को वो इतना रगड़ेंगी, इतना रगड़ेंगी, इतना रगड़ेंगी, और रगड़ने के बाद, धोने के बाद, सूखने के बाद अपने कपड़ों को देख देख के खुश होती रहेंगी, कहेंगी देखो ऐसे धुलते हैं कपड़े, ओ सारी ज़िंदगी इसी कपड़े धोने में गुजारते हैं हम, बाकी कुछ ना करें जी। तो दोस्तों यही कमबख्ती मेरी आई, मैंने वॉशिंग मशीन लगाई, वॉशिंग मशीन लगाने के बाद मैंने कपड़े धोए, मेरे कानों में यही आवाज़ें आती रही कि रगड़ो कॉलर को, रगड़ो कफ को, रगड़ो, ये कैसे कर रही हो, ये कैसे कर रही हो। उफ, मैं परेशान हो गई कि अम्मी बस कर दी क्या, यही काम करने के लिए हम जिंदगी में आए। मगर नहीं, मेरी अम्मी, अय हाय लड़की ने कैसे कपड़े धोए हैं, अगले घर जाके क्या करेगी, ये तो हमारी नाक कटवा देगी, ये तो हमें 10-10 बातें सुनाएगी, बातें सुनवाएगी ये तो हमें 10-10। मेरी अम्मी और मेरी अम्मी की अनलॉजिक बातें, हद से ज़्यादा मासूमाना बातें, जिसमें कोई लॉजिक नहीं होती, मगर अम्मी की मेहनत होती है, इतनी मेहनत होती है कि वो मेहनत देख के ना मेरा तो ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है, तो चलते हैं हम गोल धोते हैं इससे पहले कि हमें देर हो जाए। और दोस्तों आप जानते हैं कि लोड शेडिंग किस कदर हो रही है, गैस की अलग लोड शेडिंग हो रही है और लाइट की अलग लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से मुझे व्लॉग बनाने में भी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाती, और बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाती लोड शेडिंग की वजह से, गैस की भी और लाइट की भी, और जो है एडिटिंग में भी बहुत मसला होता है कि मेरा व्लॉग जो है वो काफ़ी टाइम बाद अपलोड होता है, तो उसके लिए सॉरी। और मुझे प्लीज़ 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 दोस्तों मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें और प्रेस द बेल आइकॉन, और जो है मुझे बहुत बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं हार नहीं मानूंगी, मैं हर एंड तक कोशिश करूंगी, और जब तक आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे ना, जब तक मैं आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ने वाली, मैं हर अपनी खुशी और हर अपना दुख आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। प्लीज़ आप लोग मेरे साथ रहें, अगर कोई बात बुरी लगे तो मुझे समझाएं, मुझे बताएं और मुझे सही करने का मौका दें, ना कि कोई मसला क्रिएट करें। आइए गोल धोते हैं जी। तो दोस्तों प्लान बिल्कुल चेंज हो गया है, मतलब कि मैं अचार गोश्त बना रही थी, मगर अचार गोश्त का प्लान कैंसिल करके मैंने कहा कि अम्मी मैं खड़े मसाले का स्टू बना रही हूँ, अम्मी ने कहा बना लो, तो उसके लिए बोटियाँ जो हैं वो मुझे छोटी करनी है, और सारा मसाला काट के प्याज अदरक लहसुन टमाटर हरी मिर्च ये सारा मसाला काटना है मुझे। वो काटने के लिए मैं सारा सामान निकालूंगी और फिर उसको सब काटूंगी, काटने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, और जब गोश्त की छोटी बोटियाँ कर लूँगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। जब तक के लिए आप लोग स्टे करिए, मेरे साथ जुड़े रहिए जी। तो दोस्तों मैंने ये सारा मसाला काट लिया है, मैंने ली है प्याज 4 दरमियानी साइज़ की, और मैंने लिया है लहसुन, उसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है, हरी मिर्चें वो तो बिल्कुल एंड में डलेंगी, और अदरक जो है वो भी मैंने चॉप कर ली है बारीक बारीक, और अब आ गया है इसका गरम मसाला। तो इसमें मैंने दो लिए, दो अदद लाल मिर्च, कड़ी पत्ता यानी कि आधे आधे टूटे हुए, जो आपके जो घर के सामान होता है उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, जैसे कि जो बच गया है तो ज़रूरी नहीं है उसको हम कोई नया या कोई बड़ा सामान हो तो हम खाना बनाए, घर की बची हुई चीज़ों से भी खाना बन जाता है। तो कड़ी पत्ता लिया है मैंने 5-6 पत्ते, कड़ी पत्ते का फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है, और 8-10 तकरीबन मैंने ली हैं काली मिर्चें। ये हमारा गरम मसाला है, ये हमारा हरा मसाला है, अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। मैं बना रही हूँ दोस्तों खड़े मसाले का स्टू, लेकिन मेरे दिमाग में एक तरकीब आई झटपट, मैंने सारे मसाले देखे कि कौन सा मसाला है कौन सा मसाला नहीं है, तो मेरे पास जो है वो 2 मसाले बचे हुए थे, मतलब एक पैकेट तो नहारी का था और एक पैकेट, मतलब अलग अलग पैकेट अलग अलग सालन के थे जी दोस्तों। तो मैं इस स्टू में अचार गोश्त का जो बचा हुआ मसाला है वो भी ऐड कर दूंगी, जिससे मज़ा
दोबाला हो जाएगा और कुछ यूनिक टेस्ट आएगा। ये मैंने अम्मी से परमिशन नहीं ली है, अम्मी से नहीं पूछा मैंने, ये मैंने खुद से कर रही हूँ। वैसे तो मैं खड़े मसाले का कीमा बना रहे वैसे तो मैं खड़े मसाले का स्टू बना रही हूँ, लेकिन जब मैंने मसाले देखे, पैकेट देखे, तो उसमें ये मसाला बचा हुआ था और ये मसाला है अचार गोश्त का बचा हुआ थोड़ा सा मसाला बाकी रह गया है। इस अचार गोश्त के मसाले को मैं इसमें ऐड करूँगी जब हमारा गोश्त भुन जाएगा। जी तो दोस्तों मैंने डाल दिया है इसके अंदर ऑयल मतलब तेल, वो जो अम्मी की फेवरेट चीज़ है। अभी आप लोगों को आवाज़ आने लगेगी पीछे से कि तेल कम, कल ही डाला है भैया, तेल इतना महंगा है, तेल पता है कितना किलो में रुपए हो गया है, महंगाई इतनी हो गई है। पीछे से अम्मी की आवाज़ें आने लगेंगी जो कि थोड़ा सा हम इग्नोर करेंगे। जी तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हम इसमें डालेंगे प्याज, प्याज को हम थोड़ा कच्चा पक्का करेंगे। प्याज को हम कच्चा पक्का करेंगे, आपको नजर आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, मैं थोड़ा सा कैमरा आगे की तरफ कर लेती हूँ। अब मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है अदरक और लहसुन, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। सीखने के लिए अब हम इसके अंदर डालेंगे दोस्तों गोश्त। बिस्मिल्लाह, हमने ऐड कर दिया है गोश्त, चमचा हो गया है गरम बहुत ज्यादा। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ दोस्तों ये शान मसाला जो मेरे घर में बचा हुआ था सालन का और अचार गोश्त का, तो ये जो बचा हुआ था ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, इंशाल्लाह जायका दुबाला हो जाएगा। बिस्मिल्लाह, मैंने ये ऐड कर लिया है और स्पून जो है वो ज़्यादा गर्म हो गया है क्योंकि चूल्हे की आंच जो है वो थोड़ी तेज है बुनाई की वजह से, तो इसलिए मैंने एक साफी से मैंने पतीली पकड़ रखी है ताकि हिले डुले ना, गिरे जुले ना, और एक से जो है वो मैं स्पून को पकड़ कर अपने खाने को चला रही हूँ। जी तो दोस्तों अब इसके अंदर हम करेंगे थोड़ा सा पानी ऐड, पानी ऐड करने के बाद इसको हम छोड़ देंगे गलने के लिए। जी तो दोस्तों अब मैं इसके अंदर करूंगी थोड़ा सा पानी ऐड, थोड़ी बोटी गलने से पहले मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर दूंगी मगर हरी मिर्च ऐड नहीं करूंगी। जब टमाटर पूरे मुकम्मल तौर पर गल जाएंगे तो उसके अंदर मैं ऐड करूंगी हरी मिर्च और हरा धनिया। सालन को देखेंगे, सालन अभी हमारा तैयार नहीं हुआ है, इसके अंदर मैं ऐड करूंगी टमाटर। टमाटर आप देख रहे होंगे कैसे बड़े बड़े मैंने काटे, ये फ्रीज़र किए हुए टमाटर हैं, ये फ्रीज़र बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में फ्रीज़र किए हुए टमाटर मैं इसके अंदर डालूँगी और जो है वो 2-3 स्पून जो है वो दही के भी ऐड करूँगी। और अभी हरी मिर्च नहीं डाल रही हूँ मैं, अब मैं ये वाला स्पून जो बड़ा टेबल स्पून होता है वो डालूँगी भर करके, 1-2 और ये ऐड कर लिया 3। ये मैंने ऐड कर लिया है। जी दोस्तों ये मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है, अब मैं इसको चलाऊंगी ताकि ये थोड़ा हल हो।
और मैं इसका चखूंगी नमक थोड़ा सा। नमक भी कम लग रहा है मुझे और मिर्च भी कम लग रही है, तो मैं इसके अंदर ऐड करूंगी कुटी हुई मिर्च। एक स्पून में डाल रही हूँ कुटी मिर्च। और मैं डालूंगी नमक, इसमें मुझे कम लग रहा है। जी दोस्तों, जब तक मेरा सालन गल रहा है मैं जा रही हूँ वजू करने, नमाज़ पढ़ने। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं फिर किचन में आऊँगी, फिर अपना सालन देखूँगी, फिर देखूँगी जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, मतलब टमाटर और कुटी मिर्च और टमाटर कुटी लाल मिर्च और हल्दी जब ऐड करूँगी वो भी आपको दिखाऊँगी, लेकिन पहले नमाज। जी तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नमाज भी पढ़ ली है और मैंने जो मुझे पढ़ने थे वज़ाइफ वो भी पढ़ लिए हैं। अब हम किचन में जाएंगे, किचन में देखेंगे। हनी को कॉल की थी तो हनी लोग गई हैं अपनी दादी के यहाँ, वो लोग दादी के यहाँ गई हैं और हो सकता है वापसी पे यहाँ पे भी चक्कर लगाती भी जाएँ, लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि बारिश जो है वो हल्की हल्की शुरू हो गई है। आप लोग बताएं आप लोगों के शहर में बारिश हो रही है। जी दोस्तों, तो मेरा हो गया है सालन रेडी और लोड शेडिंग की वजह से लाइट नहीं है, जिस वजह से मैं आपको सालन रेडी होने की पिक नहीं दिखा सकी। और ये है कल की दाल और ये मिर्च का मसाला बचा हुआ और ये हम खा रहे हैं रोटी के साथ।